21 अगस्त को भारत बंद नहीं होगा। लेकिन 21 अगस्त को भारत बंद क्यों नहीं होगा? क्या भीम आर्मी के लोग मोदी से डर गए? क्या भीम आर्मी के लोग बीजेपी के लोगों से पैसे लेकर भारत बंद वाले फैसले को रद्द कर दिया? क्या भीम आर्मी के लोगों को बीजेपी के लोगों ने डरा धमका दिया, या फिर भीम आर्मी के लोग खुद बीजेपी के लोगों से डर गए? क्या ये भीम आर्मी के लोग दलित के नाम पर दलितों को गुमराह कर रहे हैं, उनको चूतिया बना रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दलित समाज को ये लोग मुजरा करने वाला समाज समझ रखा है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक बिल पास किया था, और वो बिल ये था कि SC ST आरक्षण में क्रिमिनल लेयर लागू किया जाए, यानी SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जाए। दरअसल जैसे ये फैसला दलित समाज के लोगों तक पहुंचा, दलित समाज के लोग काफ़ी क्रोधित हुए, दलित समाज के नेता भी काफ़ी गुस्सा हो गए थे, और उसी गुस्से में दलित समाज के लोगों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान भी कर दिया। कहा दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रद्द नहीं करता है तो हम 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। दोस्तों, ये फैसला बड़ी फिक्स हो गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये सुनने को कहीं भी तैयार नहीं था कि वो SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण को रद्द करेगा। तो इसलिए दलित समाज गुस्से में जो फैसला किया था उस फैसले पर अड़िक रहा, और 21 तारीख को ये चीज़ें फिक्स हो गई थी 21 अगस्त को कि भारत बंद होगा। खैर, बांग्लादेश में जो आरक्षण को लेकर हिंसा फैली है, इस हिंसा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कैमरे पर आकर खुद दलितों से माफी मांगी और दलित समाज को आश्वासन दिया कि SC ST आरक्षण में जो क्रिमिनल लेयर लागू होने वाले हैं उसे लागू नहीं होने देंगे, हम और आप सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देंगे। और इसी बात को, यानी दलितों के इसी आरक्षण के मुद्दे को, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से CGI चंद्रचूड़ के सामने इशारों में इस बात को कहा कि SC ST आरक्षण में क्रिमिनल लेयर लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन 21 अगस्त को भारत बंद करना बिल्कुल तय था, क्योंकि ये बातें सिर्फ प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बातें कही जाती तो शायद इस फैसले को रद्द किया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दिया है। इसका मतलब है कि 21 अगस्त को भारत बंद होने वाला था, लेकिन अब फैसला आ रहा है कि 21 अगस्त को भारत बंद नहीं होगा। लेकिन 21 अगस्त को भारत बंद क्यों नहीं होगा? क्या भीम आर्मी के लोग मोदी से डर गए? क्या भीम आर्मी के लोगों को बीजेपी के लोगों ने डरा धमका दिया, या फिर भीम आर्मी के लोग खुद बीजेपी के लोगों से डर गए? क्या भीम आर्मी के लोग बीजेपी के लोगों से पैसे लेकर भारत बंद वाले फैसले को रद्द कर दिया? क्या ये भीम आर्मी के लोग दलित के नाम पर दलितों को गुमराह कर रहे हैं, उनको चूतिया बना रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दलित समाज को ये लोग मुजरा करने वाला समाज समझ रखा है? दोस्तों, अब मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूं कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा या नहीं होगा। इस भारत बंद में भीम आर्मी के लोग साथ देंगे या नहीं देंगे, या फिर इस भारत बंद वाले फैसले को रद्द किया जाएगा? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब SC ST आरक्षण में क्रिमिनल लेयर लागू करने के लिए, यानी SC ST आरक्षण का उपवर्गीकरण करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई, फैसला सुनाया, तब दलित समाज के लोग काफी गुस्सा हो गए थे। और जो 21 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान किया गया था, वो किसी और के द्वारा नहीं, किसी और दलित के द्वारा नहीं, बल्कि भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर के द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसका समर्थन भीम आर्मी से निकले मंजीत सिंह नौटियाल ने किया था। फिर इसको एक हवा बना दिया गया कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा, और एक खूब इसका हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा। लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से जब इस पर एक बात की गई थी, मतलब मीडिया के लोगों ने पूछा कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा या नहीं होगा, तब उन्होंने कहा था कि दलित समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है आंदोलन से, इसलिए हम लोग जो भी कुछ करेंगे सोच समझ के करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करके करेंगे। यानी कि कुल मिला के वो कहना चाहते थे कि 21 अगस्त को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है, अभी उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन नवाब सतपाल तंवर ने एक वीडियो भी बनाया, फेक वीडियो बनाया, कि उनको चंद्रशेखर आजाद फोन करके उनसे माफी मांग रहे हैं, और नवाब सतपाल तंवर उस 21 अगस्त के भारत बंद वाले आंदोलन में न आने की भी हिदायत दे रहे हैं।
दोस्तों मैं आपको फाइनली बता देना चाहता हूँ कि 21 अगस्त को जो भारत बंद होने वाला है उसमें नवाब सतपाल तंवर, मंजीत सिंह नौटियाल और तमाम दलित नेता या दलित समाज के लोग शायद शामिल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत बंद का ऐलान जो है रद्द नहीं किया जाएगा। और बात रही भीम आर्मी के लोगों की, तो भीम आर्मी के लोग शायद इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसमें मतलब शामिल हो भी सकते हैं ना भी हो सकते हैं, क्योंकि कल शाम को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइव अगर कहा कि उनका जो भीम आर्मी के द्वारा जो आंदोलन करने की मतलब मंशा है वो 11 सितंबर को है, यानी कि कुल मिला के वो इशारों में कह दिया कि 21 अगस्त को जो भारत बंद होने वाला है उसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, हम उसमें शामिल नहीं होने वाले हैं, हमारा जो आंदोलन है वो 11 सितंबर को होगा। लेकिन मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, संपूर्ण लोगों से पूछना चाहता हूँ, सिर्फ भीम आर्मी के लोगों से नहीं, चाहे वो नवाब सतपाल तंवर हो, मंजीत सिंह नौटियाल हो, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो, या फिर और भी तमाम नेता हों, ठीक है, कि तुम लोग खुद एक नहीं हो, तुम लोग दलित समाज को ये क्या करोगे? कोई 21 तारीख को भारत बंद करेगा, कोई 11 सितंबर को करेगा, किसी का और दिन आएगा, किसी की और दिन आएगा, अभी कुछ दिन पहले 9 तारीख को हुआ था, मतलब दलित समाज के लोगों को तुमने मुजरा करने वाला कौन समझा है क्या? तुम तो खुद ही एक नहीं हो, तुम दलितों को का घंटा एक करोगे? सच्चाई दोस्तों यह है कि जितने भी दलित नेता है ना, ये सब के सब अपना अपना हवा बनाना चाहते हैं, अपना अपना अस्तित्व मतलब स्थापित करना चाहते हैं दलित समाज के लोगों को इस्तेमाल करके। क्या मैं आपको बता दूं कि अगर भीम आर्मी के लोग 21 अगस्त को भारत बंद में शामिल नहीं होते हैं, और जो 21 अगस्त को भारत बंद में शामिल होंगे वो अगर 11 सितंबर को शामिल ना हो, तो दलित समाज तो बढ़ रहा है ना, दलित समाज तो बढ़ रहा है, और वही काम यदि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो तुम लोग को जलन हो रही है, तुम्हारे पिछवाड़े में जलन उठ रही है। अरे भाई, जब तुम लोग दलित समाज को बांट रहे हो तो उससे अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ही बांट दे, ठीक है। बहुजन समाज के महापुरुष देख रहे होंगे, उनकी आत्माएं शायद देख रही होंगी ना, तो बहुत पीड़ित होगी, उनको बहुत पीड़ा होगा कि दलित समाज के नेता किस तरह से समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं,